गाजर के पौधों के समान पत्तियों वाले एवं सफेद फूलों से लदे ये पौधे कोई साधारण वनस्पति नहीं है, अपितु एक खतरनाक खरपतवार है जिसे गाजर घास, कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि नामों से जाना जाता है। गाजर घास का एक पौधा 4000 से 25000 तक अत्यंत सूक्ष्म बीज उत्पन्न कर सकता है एवं 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र तथा 1 वर्ष में 2 से 3 पीढ़ी पूरी कर लेता है, यानी पूरे वर्ष भर उगता एवं फलता फूलता रहता है। इसके फैलाव का मुख्य स्रोत इसके सूक्ष्म और हल्के बीज हैं, जो खाद, सिंचाई के पानी, हवा तथा वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गाजर घास की उत्पत्ति का मूल स्थान मेक्सिको माना जाता है, जहां से इसका विस्तार अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विभिन्न भागों में हुआ है। 1975 के एक आकलन के अनुसार भारत में गाजर घास का फैलाव 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका था, जो कि वर्तमान में 350 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका है। गाजर घास के कुछ पौधे सबसे पहले सन 1955-56 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में देखे गए थे। उसके बाद ये घास इतनी तेजी से फैला कि वर्तमान में 35 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में इसका फैलाव हो चुका है, जो कि हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% है और हम सभी के लिए इस घास का निवारण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है।